गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ऑफिस में कुछ डिटेल बताया जाएगा मुझे काम के बारे में, जो कि मुझे बेलगाम जाके करना है। तो चलो चलते हैं। ये ऑफिस में 2 दिन जाऊंगा, आज और कल। फिर मैं कल शाम को ही निकल जाऊंगा बेलगाम के लिए। आज और कल कुछ खास ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा। A few moments later. आज के लिए ऑफिस का काम तो हो चुका है, अभी मैं रूम के लिए निकल रहा हूँ। तो चलते हैं रूम की ओर। तो यार रात के बजे हुई हो तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने। होटल के बाजू रूम के नज़दीक में ही एक होटल है जहाँ पे मैं खाना खाता हूँ। The next morning. मैं अभी होटल को चेकआउट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफिस से निकल के तो सीधे बस पकड़ ली है, फिर बस से मैं सीधे बेलगाम चला जाऊँगा। तो होटल दोबारा नहीं आना है, तो इसलिए होटल को अभी बाय बाय बोलते हैं। तो चलते हैं, आज का दिन भी ऑफिस में बिताना पड़ेगा, फिर शाम को बस होगी मेरी। A few moments later. अभी है दोस्तों लंच टाइम और मैं ऑफिस से निकल के बाहर गया हुआ था लंच करने के लिए। लंच करके आ रहा हूँ मैं अभी, और आप देख सकते हैं बारिश किस तरह से लगातार बनी हुई है। बारिश पूरा पूरी कंटिन्यू किए जा रही है रात से। जब से मैं सो के उठा हूँ सुबह में, देखा तो पूरा बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे ऑफिस आके पता चला कि रात से ही बारिश चालू है। अभी थोड़ा कम हुई है, सुबह में तो बहुत भयंकर बारिश चल रही थी। और यहाँ पे मेरा जो भी काम था सब कुछ हो गया है। फिलहाल मैं कुछ देर वेट करने के बाद निकलूँगा बस स्टैंड के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बारिश है तो इतना जल्दी निकल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से। ऑफिस में कपड़े वपड़े चेंज किए और आप देख सकते हैं बाहर मौसम कैसा है। तो आ गया हूँ मैं अपने बस के अंदर और बस भी चल पड़ी है। मैं और अभी बस में, मेरी जर्नी पूरी रात भर की होगी और दिन को तो कुछ खास ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि ऑफिस के अंदर था। ऑफिस में कुछ ब्रीफिंग चल रहा था काम के बारे में, कि अभी जाके बेलगाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब कुछ। रात को 8:45 के टाइम मेरा बस था, लेकिन 9 बजे मुझे बस मिली, मतलब 9 बजे बस आई। तो 9 बजे आने के बाद मैं चला अभी, कुछ ही दूर चली है बस, हम देख सकते हैं। लगभग सुबह के 6 बजे उतार देगी मुझे उस जगह पर, लोकेशन पे। जय माता दी। ये एक मंदिर है छोटा सा, जय माता दी लिखा हुआ है, माता रानी का ही मंदिर होगा। ये बस पूरी तरह से स्लीपर बस है। ये पूरी रात चलेगी, जिसमें हमें शायद 2 जगह या फिर 1 जगह रोकेगी। 1 जगह खाना खाने के लिए, अगला जगह वॉशरूम वगैरह के लिए रोक सकती है। हाईवे पे भी पूरा जाम लगा हुआ है। नीचे 1 फ्लोर है, ऊपर 1 फ्लोर है, तो मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे मिला है। नीचे वाला भी मस्त है लेकिन ऊपर भी ठीक है।
ये देखो भाई, समंदर के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। अभी जब तक बस डिनर के लिए रुकती है तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ा फ्यूल स्टेशन है जहाँ पे बस रुकेगी डिनर के लिए, करीब आधा घंटा रुकेगी बस, तब तक मैं भी कुछ खा लेता हूँ। एक HP का बड़ा सा फ्यूल स्टेशन है जहाँ पे डिनर के लिए बस रुकी हुई है। ये एक बहुत बड़ा फ्यूल स्टेशन है और इसके साइड में कुछ दुकानें बनी हुई है। यहाँ पे डिनर के लिए या फिर लंच के लिए दिन में सब तरह का खाना मिलेगा, थोड़ा महंगा है। ये जो हाईवे है ये मुंबई सतारा हाईवे है। अभी सुबह के हो चुके हैं 7:30 और मैं जस्ट उतरने वाला हूँ कुछ ही दूरी पर। गया तैयार नहा धो के, बिल्कुल पीछे वाली दुकान पे ब्रेकफास्ट किया हमने। अभी जा रहे हैं हम लोग काम पे, तो जो कि हमारे रूम से करीब 10 मिनट की दूरी पर है। A few hours later. अभी दिन के 1:30 बजे हैं, अभी जा रहे खाना खाने के लिए जो कि कुछ ही दूरी पर है एक होटल। तो खाना पीना खा के एक ही बार मिलते हैं शाम में। तो लो जी, हो गया छुट्टी, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं पैदल पैदल अपने रूम की ओर। और ये कैंपस है जहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये सामने रहा इस कैंपस का मेन गेट। कैंपस से निकले अभी, अभी मेन रोड पे आ गए हैं और अभी इस साइड होके अभी जाएंगे हम लोग अपने रूम की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। हम जिस जगह पे काम करते हैं, हमारा जहाँ पे काम चल रहा है अभी, वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है। तो उसके बारे में डिटेल्स कभी फिर दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा आप सभी। इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।